हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल मॉड फिशर्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने आईज, नोज और माउथ को सुपर पेंसिल से कैसे शेड कर सकते हैं और उसको कैसे अच्छी लुकिंग दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लगाने हमने उसको बिल्कुल ऑब्जॉर्व करना है, फिर हमको लगाते जाना है। और उसकी शाइन के लिए हमने इरेजर का यूज़ किया है और उसके जो आईब्रोज के ऊपर वाले जो डॉट्स हैं उसको भी हमने पूरा ऑब्जॉर्व किया है, फिर उसको बनाया है। और ऐसे आप भी बना सकते हैं, पूरा ऑब्जॉर्व करके फ़ोटो को बना सकते हैं। ये स्केच बनाने में मेरे को करीब लगे होंगे 1 आवर्स लगे हैं मेरे को। और हमको आँखों को पूरी जो इसकी शाइन होती है उसको पूरा ऑब्जॉर्व करना पड़ता है, फिर उसको बनाना पड़ता है, शेडिंग करनी पड़ती है हमको। वो आराम आराम से करनी पड़ती है, आप बिल्कुल टाइम लेके बना सकते हो। जो बिगनर्स हैं वो टाइम लेके बना सकते हैं उनको, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है। और इसकी आउटलाइन मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, क्योंकि आउटलाइन में बहुत ज़्यादा समय लगता है बनाने, पूरा ऑब्जॉर्व करके बनानी पड़ती है। और आउटलाइन आँखों के नीचे नीचे पूरे ऑब्जॉर्व करना है हमने, स्ट्रोक मारते रहने हैं। इसके लिए मैंने पेंसिल यूज़ किया, मैकेनिकल पेंसिल और सिंपल पेंसिल का यूज़ किया। मैंने सारी पेंटिंग में अपनी सिंपल पेंसिल का ही यूज़ किया अभी तक, ना चाकोल ग्रेफाइट का अभी तक यूज़ मैंने नहीं किया, जो कि मैं आगे वाली वीडियो में करने वाला हूँ। उसके आईब्रोज को भी बिल्कुल ध्यान ध्यान से बनाना है, पूरा ऑब्जॉर्व करना है फ़ोटो को, फिर स्ट्रोक लगाते जाने हमने। और फिर उसके बाद नोज़ को भी पूरा ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, और पूरा देखना पड़ता है उधर कहाँ कहाँ पे उसके डार्क शेडिंग है, कहाँ पे लाइट शेडिंग है, कैसे बनाना है आसपास। तो हमने पूरा ऑब्जर्व करके ही बनाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर बिगनर्स को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा उनको लगता भी कि हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, आप पूरा ऑब्जर्व करके बना सकते हो। हाँ, आपको लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप बनाओगे तो आप बहुत अच्छा बना सकते हो। इसमें भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, 1 आवर तक लगे थे बस इसके आँखें, कान और मुंह को बनाने में, उसकी शेडिंग करने में इतना टाइम लग गया था मुझे। आप पूरा ऑब्जर्व करके बना सकते हो। मैं भी अभी बिगनर ही हूँ और मेरे को भी इतना टाइम लगता है इसको बनाने में। सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को आउटलाइन बनाने में लगता है। फिर हम उसके लिप्स में जाएंगे। अब लिप्स को पूरा ध्यान से देखना पड़ता है कि हाँ, उसकी स्माइल को लाने के लिए पूरा ध्यान से ऑब्जर्व करके करना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमसे नहीं ऐसे नहीं बनता। तो हमने स्ट्रोक लगाते जाने हैं पूरा बारीकी से, ध्यान से देख देख कर। और इसमें मेरे पास टोम्बो की इरेजर नहीं थी, तो हमने सिंपल इरेजर के यूज़ किया है। और ये पेंटिंग स्केच बना दिया मैंने, जो कि मेरे भाई का ही है। हमने पूरा ऑब्जर्व करके बनाना है इसको। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन टाइम को आप ज़्यादा प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना पड़ता है। ज़्यादा मेन काम आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आपको हारना नहीं है। कई बार स्केच जो होते हैं कि नहीं बनते हैं, लेकिन हारना नहीं है। कई बार मेरे से भी स्केच नहीं बनते हैं कई के, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, वो बन जाता है फिर। और पूरा एक्यूरेट बने ये भी कोई वो नहीं है कि पूरा एक्यूरेट ही बने पेंटिंग, ऐसे भी नहीं होता। तो ये बन गया हमारे भाई की स्केच। और इसकी पूरी स्केच मैं अगली वीडियो में आपको